मम्मा ये मैं मारूंगी ज़्यादा। ये पीस है बहुत ज्यादा। ये क्या है, ये क्या है, ओ क्या है? पापा जो मैं मम्मी के साथ प्रैंक करूंगी नॉनवेज वाला, मेरी हेल्प करोगे उसमें? अभी आप जा रहे हो ना, और जब मम्मी वहां से आप मम्मी को लेने आने लगोगे मुझे मिस कॉल कर देना, ठीक है? पक्का बता मत देना कभी अपना पति व्रता धर्म निभाता हो। पति व्रता पत्नी व्रता जो भी होता है, ठीक है? पक्का पक्का ना? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ अपनी मम्मी के ऊपर नॉनवेज प्रैंक। मतलब हमारे घर में नॉनवेज खाना इज लाइक हे भगवान, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी नॉनवेज खा ले। हालांकि मैं जो है, मतलब मेरा क्या सीन है, मैं बाय चॉइस ही नॉनवेज नहीं खाती क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। तो क्या है कि मैंने जो है आटे से मैं एक प्रिपेयर करने वाली हूँ, चिकन जैसा कुछ दिखने वाला, और उस पर मैं ऑरेंज कलर का पेंट कर देने वाली हूँ। इस प्रैंक को करने में हेल्प करने वाले हैं मेरे पापा। मैंने पापा को ऑलरेडी बोल दिया है। अभी क्या है, जस्ट अभी तकरीबन 7 बज रहे हैं और मम्मी पापा अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर गए, और उन्हें आते आते 7:30-8 बज जाएंगे। तो मैंने पापा को बोला कि आपको रास्ते में मम्मी को कहना है कि मैंने इसे फोन पे बात करते हुए सुना था कि आज ही नॉनवेज खाने का मन है इसका, और मुझे ऐसा लगता है इसने डेली जाके ये सब खाना पीना शुरू किया है, तो ये पक्का खाने वाली है नॉनवेज। और अभी तू देखना घर जाके इसने कुछ ना कुछ करा होगा या हमसे पहले खा चुकी होगी, और ऐसा करके पापा को मम्मी को ऊपर लेकर आना है। तो मैंने अब प्रिपेयर करना है वो, और आप देखोगे मैं उसे कैसे प्रिपेयर करती हूँ, किस किस तरीके का मैं उस पर कलरिंग करती हूँ, और क्या रिएक्शन होगा मेरी मम्मी का, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो जिस प्रैंक की मैं अभी बात कर रही थी वो प्रैंक मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब मैंने क्या, मेरे पास पेंट ब्रश नहीं है अवेलेबल, तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर 2 वाटर कलर्स, तो ये वाटर कलर्स मैंने सामने किसी बच्चे से लिए हैं, और कल लकीली ऐसी स्टिक जो है वो जो आप पे होते हैं एक डिश होती है उसको बनाने के काम आता है, तो ये मेरे बहुत मुझे लगता है काफी सही काम आ जाएगा। और ये आटा है, आप इसको देखो, ये आटा है, और इसी आटे को जो है मैं प्रॉपर शेप देने वाली हूँ। मुझे लगता है मेरा काम हो जाएगा इससे, मतलब मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों। तो पहले ऐसा ये ऐसे जाना था कि ये शेप तो एकदम सही आ गई है, शेप एकदम सही आ गई है मुझे ऐसा लगता है। सी ये अच्छा कलर आ रहा है। मैंने लोगों को खाते हुए ज़रूर देखा है लेकिन मैंने कभी खुद नहीं खाया। ओके, तो ये हो चुकी है हमारी फटाफट झटपट कलरिंग। कुछ नहीं है, नहीं नहीं बताओ क्या है। कुछ नहीं, अरे मैंने चाप मंगवाई थी। क्या चाप नहीं है? ये चाप है। ना ना ना, दिखाओ दिखाओ। अरे कुछ नहीं है, चिकन है, चिकन है, नहीं चिकन नहीं है। मम्मी मैं मारूंगी बहुत ज्यादा। ये क्या है, ओ चिकन का पीस है। क्या है ये, हां ये सही, ये पता लगने का मैं, ओह नो, आटा है मेरे टप्पर हुआ मैं पहले जो काम था वो बोला इन्होंने, और भाई मेरे रस्ते में बड़गते आ रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा आंसू के रूम वो ये बना रही थी। ओह शिट, मारता कौन है नॉनवेज खाने पे? और मेरे दिमाग में चल रहा था, मुझे कह रही थी कि मैं एग खाना शुरू करूंगी, और मैं मना करा कि नहीं, और मेरे को इतनी इतनी हल्की जब मुझे दिल्ली रह के आई ना, मुझे पता है ये सिर्फ रोज कर रही है। मेरे को सबसे मेरे
हार्ट बीट इतनी तेज हो रही है ना, यकीन नहीं हो सकती कि मैं कि कान्हा जी को इतना मान के वो ये काम कर सकती है। ओह नो अब मजे आए बोलो, अब मतलब हद होती है मारते हुए बता एकदम चाटा ही लगा दिया। सॉरी क्या होता है, अब तो पड़ गए कोई आप मुझे मार, ये क्या बात होती है, मुझे जरा से भी हिंट नहीं दिया जरा। मुझे पूरे रास्ते में पूरे प्यार से गिरते हैं। प्लान था हमारा, मैंने ही कहा था कि रास्ते में भड़काते हुए आना, पूरा भड़का देना कि ये खा रही है वा रही है, थप्पड़ बैठ गया था। शेड थप्पड़ की तो उम्मीद ही नहीं थी। ओ माय गॉड, मैंने मुझे लिटरली समझ नहीं आ रहा, मैं हंसू यार, मैंने हर चीज की उम्मीद की थी लेकिन मैंने जो सर पे मैंने ठा करके मारा है उसकी उम्मीद नहीं थी यार। ओह गॉड, शक्ल दिखाने लाए साला प्रैंक। कल मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब हो गया था उस थप्पड़ के बाद, क्यों मेरा मतलब मुझसे वीडियो बनाया ही नहीं गया। मम्मी बहुत ज्यादा स्वीट है वैसे तो, मतलब उस थप्पड़ के बाद उन्होंने मुझे पता नहीं कितनी ही बार सॉरी बोला, उन्होंने वो जब बोला अगर ये वीडियो है तो इसको प्लीज मत डालना, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैंने बोला मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी प्योर वेजिटेरियन फैमिली होती है तो उनके घर में ऐसा होता है। अब मुझे कम से कम नहीं तो मतलब मैं छोटी थी जब मैंने मम्मी से थप्पड़ खाया था और वो अब तक मुझे थप्पड़ पड़ा है, तो मुझे पता लगे कि अगर मैंने नॉनवेज खा भी लिया तो मेरी क्या हालत होने वाली है। आप लोगों के घर पे क्या होगा, यहाँ पे जो भी लोग प्योर वेजिटेरियन है और अगर वो नॉनवेज खाते हैं उनके फैमिलीज के क्या रिएक्शन होने वाले हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी और मेरी मम्मी का रिएक्शन सही था या गलत था वो तो चलो बात की बात है, बट आपको क्या कहना है इस वीडियो के बारे में वो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना। और आप भी कुछ मुझे प्रैंक आइडियाज देना चाहते हो मैं मम्मी पापा के साथ करूं, या आपको चैलेंज वीडियोज देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वैकी टेल्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन।